अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि क्यों हमें मीट जो है वो नहीं खाना चाहिए, और इसमें सिर्फ मॉरल रीजंस नहीं दिए हैं, इसमें साइंटिफिक रीजंस भी बताए गए हैं कि क्यों आपको मीट को छोड़ना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो वेजिटेरियन मीट है वो क्या होता है, मतलब जो मीट है उसका अल्टरनेटिव सोर्स किस तरीके का होता है, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, जिसे हम क्लीन मीट भी कहते हैं, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव मीट भी कहते हैं, तो वो किस तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है और क्या फ़ायदे हैं उसके, वो भी हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मीट जो है वो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पहला यहाँ पर जो रीज़न है वो आता है कि फॉर एवरी 9 कैलोरीज ऑफ फूड जो आप चिकन को फीड करते हो, बदले में आपको सिर्फ 1 कैलोरी वापस मिलती है। मतलब आप सोचिए कि आपको कितनी कैलोरीज यहाँ पर चिकन को फीड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। तो कितना आप रिसोर्सेज को यहाँ पर आपको वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो रीज़न आता है वो ये है कि जो मीट इंडस्ट्री है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर वेस्ट करती है। मतलब 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स वाटर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर हमें मीट इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो पानी है उसकी कितनी समस्याएं यहाँ पर चल रही है, और ऐसा भी बोला जाता है जो World War III है वो पानी के लिए देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो ईरान के बीच में हो रहा है, USA के बीच में हो रहा है, वो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, है ना, लेकिन World War III जो है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पानी के लिए हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और नदियाँ सूखती जा रही है, ये सब कुछ हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये एक दूसरा रीजन है, अगर आप यहाँ पर मीट नहीं खाते हो तो इतना पानी हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जो भी पोल्ट्री होती है उन्हें यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की जाती है, उनका जो वेट है वो यहाँ पर लूज़ ना हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स उन्हें देकर रखी जाती है, और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये उनके पेट में जाकर मैग्नीफाई होती है, और वही एंटीबायोटिक हमारे पेट में जाती है, और वही एंटीबायोटिक हमारे पेट में जाने की वजह से हमारा जो शरीर है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, जिस वजह से अगर जो भी एंटीबायोटिक हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर नहीं हो पाता है। और हम ये सोचते हैं कि क्यों जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उसका असर हमारे इस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है वो पेट में ले रहे हैं। और ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आपको पता भी होगा कि जो एंटीबायोटिक है मैग्नीफिकेशन ये बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंटीबायोटिक ली गई है तो यहाँ पर मैग्नीफाई होकर वो 10 एंटीबायोटिक हो जाती है, और डेथ के बाद और मैग्नीफाई होकर 100 एंटीबायोटिक का रूप ले लेती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक एंटीबायोटिक अगर दी गई है तो हम यहाँ पर 100 एंटीबायोटिक खाए जितना हमारे ऊपर उसका असर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें मीट जो है वो नहीं खाना चाहिए। और जो फोर्थ यहाँ पर रीज़न आता है वो है मॉरल रीज़न, मतलब क्रुएल्टी का। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उन्हें क्रुएल्टी से रखा जाता है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, और जब वो डर कर रहते हैं, क्योंकि जिस हालात में उन्हें रखा जाता है वो डरे हुए से सहमे हुए से रहते हैं, और वो एक अलग एंजाइम छोड़ते हैं जिसके वजह से यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़ जाता है, और इतना डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो मास है वो सड़ जाता है, और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाते हैं हमारे भी लिए जब हम उन्हें खाते हैं। और सेम उसी तरह जो फिश इंडस्ट्री है, फिश तो काफ़ी दिन पहले ही मारी जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ही मारी गई है, फिश काफ़ी दिन से मरी हुई होती है, और वो डिकम्पोज ना हो उसके लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल्स हमारे पेट में जाते हैं और हमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब कारण है जिससे कि आपको मीट जो है वो यहाँ पर छोड़ना चाहिए और वेजिटेरियन जो है वो यहाँ पर बनना चाहिए। अब अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि नहीं मुझे मीट ही खाना है, मीट ही खाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी लाया गया है जिसे क्लीन मीट कहा जाता है, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव मीट कहा जाता है, तो वो आपको मीट का ही मज़ा देगा, मगर ये सारी चीज़ें जो है ये हम छोड़ भी सकते हैं उसके लिए। कैसे? तो 2016 में इम्पॉसिबल फूड जो है उन्होंने लॉन्च किया एक फ्लैगशिप इम्पॉसिबल बर्गर। ये था प्लांट बेस्ड रिप्लेसमेंट जो कि स्मेल हैंडल करने में, कुक करने में और टेस्ट करने में जस्ट लाइक जो बीफ है उस तरीके का नज़र आ रहा था, और ये एक्चुअल में बीफ नहीं था,
ये प्लांट बेस्ड रिप्लेसमेंट था, मतलब प्लांट के जरिए बनाया गया था, प्योर वेजिटेरियन था, मगर कंप्लीटली कंप्लीटली जो बीफ है उस तरीके का नजर आ रहा था। मैं बता दूं ये इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो उदयपुर बेस्ड स्टार्टअप जो है गुड डॉट, वो यहां पर वेजिटेरियन मीट बना रहा है प्लांट्स का इस्तेमाल करके। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई जो है उसने पार्टनर्ड किया है नॉन प्रॉफिट द गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ, जिसमें वो सेंटर यहाँ पर जो सेटअप है वो करने वाला है, जिससे कि सेल बेस्ड मीट जो है वो यहाँ पर बनाने वाला है। अब देखिए सेल बेस्ड मीट किस तरीके का होता है, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव जो ये मॉक मीट्स होते हैं ये सोया, जैकफ्रूट, मशरूम इन सब के द्वारा बनाए जाते हैं, और जस्ट लाइक मीट उसका टेस्ट टेक्सचर मीट की तरह ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से क्लीन मीट जो है ये बनाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो मसल टिश्यू है वो रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेम सेल, उसके द्वारा यहाँ पर प्लांट बेस्ड सीरम जो है उसके द्वारा यहाँ पर जो मसल है उसे ग्रो किया जाता है। फिर यहाँ पर जो मसल ग्रो हो जाता है फिर उसे एज अ क्लीन मीट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जा रही है, क्रूअल्टी नहीं हो रही है, यहाँ पर चिकन जो है उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए, फीड अप करने के लिए रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है, उसी के साथ साथ जो पानी है उसका यहाँ पर वेस्टेज नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स आपके पेट में नहीं जा रहे हैं, एक क्लीन मीट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसका मार्केट काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका मार्केट जो है काफ़ी बढ़ सकता है, और ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर जो क्लीन मीट है उसका मार्केट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि डिमांड पर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ेगा। अब जब यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया तो ये पाया गया बियॉन्ड बर्गर और बीफ बर्गर, ये दोनों में डिफरेंस क्या था, तो जो बियॉन्ड बर्गर है ये मतलब सेम टेस्ट, सेम टेक्सचर, सब कुछ सेम, मगर यहाँ पर ये जो है ये प्लांट बेस्ड है, मतलब ये वेजिटेरियन मीट है और ये तो नॉन वेज है ही। जब हम ये बर्गर ना खाते हुए ये बर्गर खाना शुरू कर दें तो उसके वजह से हम पानी जो है 99% कम लगता है, जो ज़मीन है, जो लैंड है वो 93% कम लगती है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 90% कम हो जाता है, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली हमें होता है क्लाइमेट चेंज के रूप में, जो एनर्जी है 46% कम यहाँ पर लगती है, और हमें ये बर्गर जो है वो ज़्यादा हेल्दी भी नज़र आता है। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि बेसिकली आपको जो मीट है वो क्विट करना है या नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी साइंटिफिक रीजंस भी देख लिए हैं।